बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में बेखौफ बदमाशों ने भीम आर्मी के संरक्षक और दलित नेता राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राकेश अपने घर में मौजूद थे, तभी बदमाश घर में घुसे और उनके सीने में कई गोलियां उतार दी थी। इस हत्या के विरोध में वैशाली में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया था। वहीं लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान वैशाली पहुंचे। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। चिराग पासवान को देखकर पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट गया। वहीं चिराग ने भी इस दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं चिराग पासवान ने मौके से ही वैशाली के एसपी से फ़ोन पर बात की। चिराग ने इस हत्याकांड में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी से सवाल पूछा। चिराग पासवान ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग एसपी से की है। साथ ही उन्होंने इस केस में बेगुनाह युवकों पर कार्रवाई नहीं करने की भी नसीहत दी। इसके बाद चिराग ने वैशाली के डीएम को भी फ़ोन लगाया और पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजे की राशि दिलवाने की बात कही। थाना में बंद कर दिया था सर से बात कर जाइए। कुछ लोग के सर थाना में बंद किए हुए लगाइए। रोड उठ के हमने फोन बोल रहे हैं। इसके साथ ये कल की घटना की जानकारी आपको होगी ही। राकेश जी को जिस तरीके से गोली मार दी गई उसमें क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई है? थाना पर भी नजाइज में 10 लड़का को रखे हुए गांव के लड़का सर आप प्लीज इसको वोट डाउन करके इस केस को जल्द से जल्द जो भी आरोपी हो और एसपी साहब एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कोई निर्दोष क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जबरदस्ती भी वहां पे थाने में पकड़ा गया है उस पर आप अपने से इंटरव्यू करके देखिए कि कोई निर्दोष ना फंसे पर कोई दोषी छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम आपके रेगुलर टच में रहेंगे। परिवार जो जो जानकारी हमें देता रहेगा हम भी आपके साथ साझा करेंगे। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिएगा। एक घटना हो गई है, दोबारा कोई यहाँ ऐसी घटना ना घटे। वैशाली के लालगंज थाने के पंचदमिया निवासी राकेश पासवान की उनके घर में घुसकर आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। थाने की गाड़ियों में भी गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है। दलित नेता की हत्या के बाद बिहार में कानून और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाएगी और बिहार सरकार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइफ नेटवर्क।